दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप एक एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल पर पता लगा सकते हैं कि हमारे मोबाइल पर क्या खराबी है और क्या सही है। तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने एक प्ले स्टोर से एक ऐप्स को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है टेस्ट एम। तो हम यहाँ पर टेस्ट एम सर्च कर लेंगे और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये टेस्ट एम हार्डवेयर ये हमारे मोबाइल पर पहले से ही डाउनलोड है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर वेट करना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ये वाला टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्किप कर देंगे। और जो सेकंड टेस्ट है यहाँ पर स्क्रीन एनालिसिस, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो भी QR कोड आएगा तो हम उसको दूसरे वाले मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके देखेंगे। अगर ये QR कोड स्कैन हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा मोबाइल सही है। अगर ये QR कोड स्कैन नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा मोबाइल सही नहीं है। दोस्तों जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है स्पीकर का। तो हम यहाँ पर अपने स्पीकर को चेक करेंगे कि जो हमारा मोबाइल का स्पीकर है वो सही है या नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 6 4 1 यहाँ पर इसने जो भी नंबर बोले हुए हैं वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अगर आपको ये सही से सुनाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ पर इस जगह पर टाइप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये टाइप कर देंगे। ये हमारे देखिए ये अभी गलत है। और अगर आपने जो कुछ भी सही से सुना होगा आपको वही इस जगह पर लिखना है, तभी यहाँ पर ये सही का निशान लग के आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका मोबाइल का जो स्पीकर है वो सही है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट टेस्ट, आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टेस्ट है यहाँ पर फ्रंट कैमरा का, तो हम इसको भी स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के बाद जो हमारा कैमरा है वो ऑटोमेटिक कैच हो जाएगा। और जो लास्ट टेस्ट है यहाँ पर टच आईडी, तो चलिए हम अपने यहाँ पर फिंगरप्रिंट को लगाएंगे और इस जगह से हम पहले इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपने मोबाइल पर जो फिंगर है उसको यहाँ पर लगा देंगे। ये लगाने के बाद आप यहाँ पर अपने समरी पर देख सकते हैं माइक्रोफोन हमारा सही है, स्पीकर आप इसको भी दोबारा भी इसको कर सकते हैं। चलिए हम स्पीकर को दोबारा कर लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जो कुछ भी आपको सुनाई दे रहा होगा आपको वो यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चलिए 8 2 7, तो यहाँ पर इसने 8 2 7 बोला हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन का सही का निशान लग के आ चुका है। तो ये माइक्रोफोन, स्पीकर, फ्रंट कैमरा, टच आईडी ये सब हमारे सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेड इन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ये वाला पेज को स्किप भी कर सकते हैं, तो हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद अब यहाँ पर बटन्स की बारी आती है, तो हम यहाँ पर बटन्स को चेक करेंगे जो भी हमारे मोबाइल्स के बटन होंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपने प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, जो भी मोबाइल का प्लस बटन होगा। और यहाँ पर फिर ऑप्शन आ रहा है माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अब ऑप्शन आ रहा है पावर बटन का, तो चलिए हम इसको पावर बटन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर टच स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका टच होगा मोबाइल का, आप यहाँ पर इसको आपको ऐसे कुछ करना है इस तरह से। इससे ये होगा कि आपकी स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि आपकी स्क्रीन सही है नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर आप समरी पर चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल पर क्या सही है और क्या गलत है। आप इनको दोबारा भी इस तरह से यहाँ रेड पर क्लिक करके आप इनको दोबारा भी चेक कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल पर क्या ख़राब है और क्या ख़राब नहीं है। सब्सक्राइब करिए इन्फॉर्मेशन इन हिंदी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।